श्री वरुण गोयल जी, हर्षवर्धन जी, संचालन कर रहे देवेंद्र जी और यहां पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, चाहे राष्ट्रीय, चाहे प्रदेश के, चाहे क्षेत्र के, चाहे जिले के सभी कार्यकर्ता भाई बहन, मैं आप सबको सबसे पहले तो बधाई के साथ शुरुआत करूंगा। चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, इसको आपने जीता है और जिताने के लिए पूरा जोर लगाया है, और यह कहने में मुझे गर्व हो रहा है कि नगर निकाय चुनाव की सबसे बड़ी विजय 2023 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है, इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरी, अभी कल ही एक चुनाव हुआ था, विधान परिषद का उपचुनाव, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इस समय रिकॉर्ड हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य 84 सदस्य हो गए। कल दो जो उपचुनाव हुए, दोनों में हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री पदम सेन चौधरी जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष दोनों हैं श्री मानवेंद्र सिंह जी, दोनों लोग विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं और सपा की साइकिल पंचर हो गई, उसकी भी आप सबको बधाई देता हूं। अब आपसे आज मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्योंकि युवा मोर्चा है और जिस ओर जमाना चलती है उस ओर जमाना चलता है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं, पहले युवा मोर्चा का नेतृत्व करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के अनेक दायित्वों को, चाहे वह प्रदेश की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे प्रदेश का संगठन, चाहे देश का संगठन, हर जगह आप युवा मोर्चा की मौजूदगी देखोगे। मैं आप सब लोगों से केवल आज कहना चाहता हूं, उत्साह बहुत, 2024 में जीत भी सुनिश्चित है और मेरा नगर निगम थे और 17 के 17 नगर निगम में कमल का फूल खिला है, वैसे ही मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, जो नंबर जाएगा उधर देखेंगे, लेकिन वैसे ही कि 80 की 80 लोकसभा में कमल खिल सकता है, ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास है कि नहीं है? दोनों हाथ उठाकर बताओ, विश्वास है कि नहीं है? तो 80 की 80 लोकसभा में कमल खिल सकता, और शक्तिशाली सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प हिंदुस्तान में आज की तिथि में है क्या? का विकल्प है, लेकिन मोदी जी का विकल्प केवल मोदी जी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। और 2024 का चुनाव जो लोकसभा का होने वाला, जिसके लिए यह प्रदेश कार्य समिति महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, प्रस्ताव करेगी, और उस चुनाव में कमल खिलाने के लिए आप डट जाने का काम करोगे। मैं आप सभी लोगों को आज यहां पर आह्वान करना चाहता हूं, अभी देश की संसद जो लोग देश के लोकतंत्र का मंदिर है, उसका उद्घाटन हो गया, उसको आपने देखा है, मैं देख रहा हूं युवा मोर्चा वाले कुछ यूनिक करने की कोशिश भी करते हैं। मैं अभी प्रवेशिका देख रहा था, कई कार्यक्रमों में जाता हूं, फोटो के साथ प्रवेशिका नहीं रहती, लेकिन आप युवा मोर्चा वाले सब हर क्षेत्र में आगे हो, आप सबको बधाई देता हूं। कभी देश के संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें सांसदों की अब संख्या बढ़ेगी, ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा है? सीटें बढ़ गई। अब मैं नहीं जानता, अभी मैं भविष्य अगर पढ़ सकता होता तो मैं बताता किसके किसके माथे पे उस संसद भवन में बढ़ी हुई सीटों में बैठने का अवसर आने वाला है। और जब लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी तो क्या विधानसभा में नहीं बढ़ेगी? क्या विधानसभा में भी बढ़ेगी? और अगर आप लोकसभा में और विधानसभा में भी सीटें बढ़ेंगी, और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, इसमें अभी जैसा बताया कि प्रदेश वो जिले के महामंत्री के रूप में काम करने वाले आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम ईमानदारी से अपने काम को करेंगे तो आपका पथ
में कोई कांटे बिछाने की कोशिश करेगा तो पार्टी नेतृत्व से हटा करके फूल बरसाने का काम करेगा, यह भरोसा रखना। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जब हम लड़ने के लिए जा रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया लक्ष्य हमें याद रहना चाहिए। क्या लक्ष्य है? 2022 जब अमृत महोत्सव वर्ष की शुरुआत हुई और 2023 आप सबको याद है, 2022 15 अगस्त को आपने तिरंगा यात्रा का मेरे शायद मेरे जो ध्यान में आ रहा है पंकज जी के पास ही जिम्मेदारी थी और आप लोगों ने शायद उत्तर प्रदेश का कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर में तिरंगा लहराने में आपने अपनी भूमिका नहीं अदा की थी। जो भारत के अंदर भाजपा विरोधी है, जो भारत के अंदर भारत विरोधी है, जो दुनिया के अंदर भारत विरोधी है, ये सब एकजुट होकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने से रोकने के लिए सारी शक्तियां लगाएंगे। लेकिन वो असत्य के रास्ते पर हैं और जो असत्य के रास्ते पर होता है उसे सफलता नहीं मिलती, सत्य को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सफलता सदैव सत्य के साथ खड़ी होती है। मैं आप सबको केवल ये कहना चाहता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वर्ष पर आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 का लक्ष्य दिखाया है उसको ध्यान रखना मेरे मित्रों। 2024 का चुनाव हमें सारे 2014 के चुनाव से बड़ा चुनाव है, 2017 के चुनाव से बड़ा चुनाव है, 2019 के चुनाव से बड़ा चुनाव है, क्योंकि 2024 का चुनाव जीतने के बाद हमारी 100 साल की तपस्या का फल मिलेगा जो हमारे तमाम पुरखों ने चाहे देश के लिए बलिदान देने का काम किया हो, चाहे पार्टी के लिए तिल तिल खपाने का काम किया हो, पार्टी को बूथ स्तर तक खड़ा करने का काम किया हो। अगर हम 2024 का लोकसभा चुनाव 2019 से बड़ी विजय निश्चित तौर से प्राप्त होगी, लेकिन अति आत्मविश्वास में नहीं रहना। हमारा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ, हमारा यूथ भाजपा के साथ हो, यह ध्यान रखना। एक बड़ी संख्या ऐसी है जो भाजपा को वोट देता है लेकिन उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता, जो भाजपा को वोट देता है वो घर से वोट डालने के लिए नहीं निकलता। मेरे मित्रों, ये भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है, देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, भारत को विश्व गुरु बनाने का सवाल है। 2024 में केवल कमल खिलाने का सवाल नहीं बल्कि 2047 में विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने का सवाल है, विश्व गुरु बनाने का सवाल है। इसलिए आज इस प्रदेश कार्य समिति के बाद मैं आप सबका यही आह्वान करूंगा, 2024 का चुनाव करो या मरो, इस लक्ष्य के साथ हमारी ताकत, हमारा समर्थन, हमारे संगठन की ताकत है, हमारे साथ देश की और प्रदेश की जनता का भारी समर्थन है। हमें केवल क्या करना है, जो समर्थन है उसे वोट के रूप में बूथ तक लाने और कमर को खिलाने के लिए उनको प्रेरित करने का काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद देश का और देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी हो जाती है तो सबकी छाती 56 इंच की हो जाती है, सबकी छाती 56 इंच की हो जाती है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति, आपको याद होगा कभी माननीय नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका जाने का वीजा नहीं दिया जा रहा था, याद है कि नहीं याद है? और आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी की लोकप्रियता का बखान करते हुए उनके ऑटोग्राफ लेने की बात कर रहा। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा, दो देश के बीच में युद्ध चल रहा हो, हाथ में तिरंगा लेकर के भारत का एक एक नागरिक सुरक्षित निकलना है तो रूस की सेनाएं भी गोली चलाना बंद कर दें और